हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके फेवरेट गेमिंग यूट्यूब चैनल गेमर ब्लास्टी पे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कहानी, जिसे देखने के बाद दोस्तों आप सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी को। अरे बहुत दिन हो गए मैं अपने गांव नहीं गया हूँ, तो मैं आज अपने बॉस से छुट्टी मांग लेता हूँ और मैं अपने गांव जाकर अपने प्यारे दोस्त टिप्सन से भी मिलूंगा। तो बॉस आ रहे हैं तो मैं बॉस से फटाफट से यहाँ पे बात कर लेता हूँ। बॉस बॉस, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। अरे नहीं रो फिरो, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। तुम्हें तो पता है ना, अभी कोरोना चल रहा है और यहाँ पर कितना काम है, कितने लोगों की देखभाल करनी पड़ती है, तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन बॉस, मैंने इतने दिन से एक भी छुट्टी नहीं की है, तो मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अच्छा ठीक है रो फिरो, अगर तुम 2 दिन में वापस आ जाओ तो पीछे मेरी कार खड़ी है, तुम उसे लेकर अपने गाँव चले जाओ और फटाफट से आ जाना। ठीक है बॉस, मैं 2 दिन में वापस लौट आऊंगा। अरे वाह, अब तो मैं बॉस की नई चमचमाती कार लेकर अपने दोस्त टिप्सन के पास जाऊंगा और उसे भी ये कार दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं यहाँ से बॉस की कार में बैठ जाता हूँ और चलता हूँ अपने प्यारे दोस्त टिप्सन के पास। मुझे जाते जाते यहाँ से सुबह हो जाएगी, तो देखता हूँ कि मैं कितने टाइम में अपने गाँव पहुँचता हूँ। अरे बाप रे बाप, मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे तो अपने गांव पहुँचते पहुँचते सुबह हो गई, लेकिन आखिरकार मैं अपने गांव पहुँच गया हूँ। यहाँ पर कितना कुछ बदल गया है, तो देखता हूँ आखिर मेरा दोस्त टिप्सन कहाँ पर रहता है, मुझे तो उसका घर भी याद नहीं है। अरे ये कौन सी वैन जा रही है? ओ ये क्या हुआ, मेरी गाड़ी दीवार के भिड़ चुकी है। लेकिन ये वैन कौन सी है, मुझे रुक कर इसे फटाफट से देखना होगा। अरे इस पर तो कोरोना बर्गर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ गांव में भी कोरोना आ चुका है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। अब मुझे किसी और से पूछकर टिप्सन का घर पता लगाना होगा। अरे भैया, क्या आप मुझे टिप्सन का घर बता सकते हैं? देखो तुम मुझे परेशान मत करो, मैं पहले से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं तुम्हें किसी टिप्सन का घर नहीं बता सकता। अरे भाई प्लीज़ मुझे टिप्सन का घर बता दो, मुझे उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। चलो तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है, अब तुम फटाफट से टिप्सन के पास चले जाओ। चलो आखिरकार इस आदमी ने मुझे टिप्सन का पता तो बता दिया, तो मैं अब फटाफट से चलता हूँ टिप्सन के पास और उसे बता देता हूँ कि उसे बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। तो सामने मेरा दोस्त खड़ा हुआ है। अरे ये क्या, इसने तो मास्क भी नहीं लगा रखा, तो इसे तो मैं अभी बताता हूँ। अरे टिप्सन, तेरा मास्क कहाँ पर है? अरे भिड़ू, काहे का मास्क रे, अपन को कोई कोरोना वोरोना से डर नहीं लगता, अपन को कुछ नहीं होगा, तू अपन की टेंशन मत कर, अपन एक सिगरेट पी के कोरोना को भगा देगा। अरे टिप्सन, तू मेरी बात मान ले, मास्क लगा ले, वरना तुझे कोरोना हो जाएगा। अरे भिड़ू, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, मुझे कोई कोरोना नहीं होगा। अच्छी, अरे टिप्सन मुझे तो लगता है तुझे अभी कोरोना हो गया है, तू कितनी छींके मार रहा है, मैं तो तेरे पास नहीं रुक सकता, मैंने तो पहले ही अपनी सुरक्षा के लिए फेस शील्ड पहन रखी है और तूने तो मास्क भी नहीं लगा रखा। देख मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू फटाफट से मास्क लगा ले और जाकर वैक्सीन भी लगवा के आ जा। देख भिड़ू, तू अपन का खोपड़ा खराब मत कर और यहाँ से अपनी गाड़ी उठाकर चला जा। मैं तो जा रहा हूँ टिप्सन, लेकिन तू फटाफट से जाकर एक बार डॉक्टर को दिखा ले। चल मैं तो चलता हूँ, मुझे तेरे से क्या मतलब है। अरे ये तो मेरा दोस्त गोलू है, तो मैं इस गोलू से भी मिल ही लेता हूँ। हेलो गोलू, क्या कर रहा है? रॉप हीरो, तू मुझसे दूर हट जा, मुझे कोरोना है, मैं कभी भी मर सकता हूँ और तुझे भी साथ में ले बैठूंगा, तू मुझसे दूर हो जा। अरे ये क्या हुआ, गोलू तो सचमुच मर गया, मुझे यहाँ से फटाफट से भागना होगा। अरे रोप हीरो सुन, तेरा दोस्त टिप्सन हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको कोरोना हो गया, वो कभी भी मर सकता है, तो तू फटाफट से जाकर उससे मिल ले। अरे ये क्या कह रही हो,
टिप्सन को कोरोना हो रखा है ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो हॉस्पिटल में भर्ती है। मुझे फटाफट से उसके पास जाना होगा, आखिर वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। अरे ये तो वही हॉस्पिटल है, तो मैं फटाफट से इस नर्स से पूछता हूँ। हेलो नर्स, यहाँ पर कोई टिप्सन नाम का आदमी भर्ती था, क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? मुझे नहीं पता, सामने डॉक्टर आ रहे हैं, तुम उनसे जाकर पूछ लो। ठीक है, मैं डॉक्टर से जाकर ही पूछ लेता हूँ। अरे यहाँ पर तो कोई भी डॉक्टर दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे थोड़ा आगे जाकर देखना चाहिए। अरे सामने से डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, यहाँ पर कोई टिप्सन नाम का आदमी भर्ती था जिसे कि कोरोना था। अरे टिप्सन नाम का आदमी, मुझे कुछ याद आ रहा है, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे हाँ, टिप्सन नाम का आदमी यहाँ भर्ती जरूर हुआ था, लेकिन वो तो मर गया, उसकी डेड बॉडी हमने उसके घर वालों को दे दी। अरे ये क्या हुआ, टिप्सन मर गया? मैंने तो उससे पहले ही समझाया था कि उसे मास्क लगा लेना चाहिए था, अगर वो पहले ही मास्क लगा लेता तो आज वो मरता नहीं, और उसे वैक्सीन भी लगवा लेनी चाहिए थी। तो दोस्तों इस कहानी से मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी मास्क लगा कर रहिए, और दोस्तों समय समय पर सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए, कोरोना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। तो दोस्तों आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।